नमस्कार दोस्तों, अर्ली उड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि सभी लोगों को इनका बेनिफिट हो सके। दोस्तों यदि अर्ली उड को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं और ढेर सारे बेनिफिट अर्निंग करना चाहते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए 599 का या 29 में आपको कॉल सपोर्ट, 599 में फुल सपोर्ट आपको मिलता है। इसके अलावा यदि आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है से भी आप अर्निंग करना चाहते हैं, चाहे मोनेटाइजेशन है तो भी नहीं है तो भी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हम पूरा का पूरा बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आप अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों ये वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, मैंने टाइमर लगा दिया यहाँ पर, 3 मिनट में ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, जो आखिर जो थंबनेल में जो आपने देखा हाईकोर्ट की सबसे बड़ी कार्रवाई है अब तक का, तो मोरिटोरियम से लेके रीस्ट्रक्चरिंग से लेके, तो आपको मोरिटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़ा हुआ न्यूज है जो हमने थंबनेल में लिखा है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, 3 मिनट का वीडियो होगा और आपको बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। ये न्यूज हाईकोर्ट की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ है जो आपको जाना जरूरी है। सबसे पहले टाइम चेक कर लेते हैं दोस्तों, टाइम देख लीजिए यहाँ पर 7:33 हो रहा है, 7:35 हो रहा है, 18 अगस्त है, बिल्कुल फ्रेश वीडियो है, फ्रेश न्यूज़ है। अब जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, देखिए कर्नाटका हाईकोर्ट इशूज नोटिस ऑन द प्लीज सीकिंग टू द एक्सटेंड एजुकेशन लोन मोरिटोरियम स्कीम बेनिफिट टू द ऑल स्टूडेंट। अभी ये एजुकेशन लोन के रिलेटेड कर्नाटका हाईकोर्ट में एक केस डाला गया था, पीआईएल डाला गया था, ठीक है, जिसके तहत कर्नाटका हाईकोर्ट ने भारत सरकार, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया हुआ है। और नोटिस आखिर तो ही सरकार को जारी कर सकता है, कर सकती है हाईकोर्ट, जब तक कि उसको लगे केस में कुछ ना कुछ दम है। तो यही चीज़ इसमें लिखा गया है जो अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसको, क्योंकि एजुकेशन लोन यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ लोन है, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मसला है। और कुछ दिन पहले आपने देखा था ट्रांसपोर्टर वाले ने भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला, केस डाला हुआ था, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 28 अगस्त को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है दोस्तों, और धीरे धीरे अभी प्रोग्रेस आने लगी है और केसें डलने लगी है। तो अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, भारत सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस इशू किया गया। नोटिस इशू करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और अगले डेट में सुनवाई भी होगी इनकी। तो यही चीज़ इसमें बताया गया, देखो कर्नाटका हाईकोर्ट है जिसे नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन पब्लिक, ये ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ मोरिटोरियम स्कीम का बेनिफिट एजुकेशन लोन पे। तो यही चीज़ है जो हमने आपको इसमें शॉर्ट में बताया, अब आप लोग खुश हो जाइए। और अभी जो आने वाले टाइम पे लगभग सभी के लिए ये बेनिफिट हो सकता है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। अब अभी एजुकेशन लोन वाले को मिल सकता है, अब सुप्रीम कोर्ट में तो एक केस चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों, मोरिटोरियम एक्सटेंशन से लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, ये देखिए लाइव लॉ, आप इस न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल पर भी मोरिटोरियम न्यूज़ डालेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे न्यूज़ भी दिख जाएंगे। लाइव लॉ का भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक दिन पहले ये वाला है, उसके अलावा भी आप इसको हमने बता ही दिया आपको, मोरिटोरियम से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं कई सारी जानकारी। इसके अलावा भी जब आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। ये देखिए कर्नाटका हाईकोर्ट इशू नोटिस टू प्लीज सीकिंग बेनिफिट ऑफ, ये बार एंड बेंच है, ठीक है। तो ये हमने आपको लाइव लॉ का बताया, और ये देखिए ये न्यूज़ कब का है, 17 अगस्त 2020 का है, 8:31 यानी कल नाइट का है, समझ रहे बात को। तो ये जानकारी हमने आपको देना उचित समझा, और आप सभी लोग अपडेट रहिए आखिर मोरिटोरियम से रिलेटेड कहाँ कुछ केस चल रही है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो से अवेयर रह सके, इस न्यूज़ से अवेयर रह सके, सभी लोग परेशान ना होए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।